हेलो गाइस, माय सेल्फ शिवम निक्स। और आज हमारी क्लास नंबर 10 है, जिसके अंदर हम ए मेजर प्ले करना सीखेंगे। लास्ट दो क्लासों के अंदर जो हमने सीखा था, दैट इज डी कॉर्ड, डी मेजर एंड ए माइनर। सो आज हम जो प्ले करने आ रहे हैं, दैट इज ए मेजर। सो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दिखाता हूँ। तो इस ए मेजर कॉर्ड को प्ले करने के लिए हमें जो यूज़ करना है, दैट इज़ ओनली अ सेकंड फ्रेट। हमारा सारा काम सेकंड फ्रेट पर ही चलेगा। और जो इसमें स्ट्रिंग्स यूज़ होनी है, दैट इज़ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी फिंगर की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से की है। ओके, अपनी फर्स्ट फिंगर को मैंने अपने सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग पर रखा, सेकेंड फिंगर को अपनी थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे रखा, और अपनी रिंग फिंगर यानी थर्ड फिंगर को मैंने सेकेंड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग पर रखा। इस तरीके से थोड़ा कंजेस्टेड है, तो इसलिए अगर आप इसे ऐसे प्ले करेंगे बिल्कुल सीधा रखकर तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सा इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, इस तरीके से नीचे की से ऊपर की ओर, इस तरीके से। जैसा पहले बताया था कि जितना हो सके उतना आप नीचे रहिए, इसके फ्रेटबोर्ड के नियर रहिए, लेकिन ऊपर वाला जो है वो नियर नहीं हो पा रहा। बट कुछ नहीं कर सकते इसके लिए हम, तो मजबूरी हमारा इसे ऊपर रखना। लेकिन आप कोशिश करिए कि प्रेस अच्छे से करिए, जिससे जो वॉल्यूम लेवल है वो इसका बिल्कुल क्लियर आए, इस तरीके से। तो अगर आपको बेस लेना है, तो बेस अगर आप लेंगे तो आपको फिफ्थ स्ट्रिंग भी प्रेस करनी पड़ेगी, इस तरीके से। तो ये था हमारा ए मेजर कॉर्ड। ओके, नाउ हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर गेटिंग अ न्यू वीडियोस एंड न्यू सॉन्ग्स। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियोस, एंड पीस आउट।